नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नेजल वैक्सीन लाने की बात कही जा रही है। आइए जानते हैं कि कोरोना के लिए नेजल वैक्सीन क्या है और बच्चों के लिए इसे ज्यादा सही क्यों बताया जा रहा है। अमेरिका के दिग्गज दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसका कोविड वैक्सीन भारत में कोरोना वायरस के वेरिएंट के खिलाफ उच्च प्रभावशीलता दिखाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में संक्रमण और मौतों की विनाशकारी दूसरी लहर के पीछे यही वेरिएंट है। सूत्रों ने कहा है कि फाइजर ने केंद्र सरकार को यह भी बताया है कि इसका टीका 12 साल से अधिक उम्र के सभी के लिए उपयुक्त साबित हो सकता है। और अहम बात यह है कि इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा के बीच कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं में 1 महीने तक सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है। अमेरिकी फार्मा दिग्गज कंपनी ने केंद्र सरकार से इस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए फास्ट ट्रैक मंजूरी देने की गुजारिश की है और कहा है कि जुलाई से अक्टूबर के बीच 5 करोड़ खुराक रोल आउट करेगी। अगर उसे सरकार प्रतिकूल घटनाओं के मामले में क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावों से सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण नियामक छूट देती है। हालांकि देश में इस्तेमाल हो रही 3 वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी में से किसी को भी इस तरह की छूट नहीं दी गई है, जैसे छूट फाइजर मांग रहा है। फाइजर ने भारत में उसकी कोविड-19 वैक्सीन को जल्द मंजूरी देने की मांग करते हुए भारतीय अधिकारियों से कहा है कि उसका टीका भारत में फैले कोरोना वेरिएंट के खिलाफ काफी असरदार है और यह 12 वर्ष से अधिक आयु के बीच बच्चों को लगाया जा सकता है। फाइजर ने कहा है कि भारत में फैले SARS-CoV-2 वेरिएंट के खिलाफ और भारतीय लोगों पर उसका टीका काफी प्रभावी दिखाई दे रहा है। फाइजर ने भारतीय अधिकारियों के साथ हाल ही में सप्ताह एक बैठक के दौरान विभिन्न देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा उसके टीके के प्रभावकारिता परीक्षणों और अनुमोदन के संबंध में ताजा आंकड़े भी प्रस्तुत किए। भारत के साथ बातचीत में शामिल फाइजर के एक उच्च सूत्र ने कहा, भारत और विश्व में वर्तमान स्थिति सामान्य नहीं है, ऐसे में हमें इस स्थिति के दौरान किए जाने वाले काम को आमतौर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की तरह नहीं लेना चाहिए। एक अन्य सूत्र ने कहा है कि भारत सरकार और फाइजर के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अल्बर्ट बुलरा के बीच हाल ही में एक बैठक में बाद दोनों पक्ष भारत में कोविड वैक्सीन के अनुमोदन में तेजी लाने के लिए 3 प्रमुख मुद्दों पर संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हुए हैं। जिससे केंद्र सरकार के जरिए टीके की खरीद, क्षतिपूर्ति और देनदारी और मंजूरी के बाद अध्ययन जुड़ाव को लेकर नियम की जरूरत इसमें शामिल है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को सीधे तौर पर धमकी दी गई है कि यदि उन्होंने अमेरिकी फौज को ऑपरेट करने के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत दी तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो चलिए जानते हैं अफगानिस्तान ने और क्या चेतावनी दी है। तालिबान ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को सीधे तौर पर धमकी दी है।
कि यदि उन्होंने अमेरिकी फौज को ऑपरेट करने के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत दी तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। तालिबान ने एक बयान जारी कर अफगानिस्तान के सभी पड़ोसी देशों को ऐसा कोई भी फैसला ना करने के लिए चेतावनी भी दी है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई भी कदम खतरनाक हो सकता है। साथ ही तालिबान ने कहा है कि यदि ऐसा हुआ तो वो भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। तालिबान की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौज को पूरी तरह से वापस ले जाने की कवायद में जुटा हुआ है। अमेरिका पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो अमेरिका पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले 9/11 की बरसी से पहले सभी जवानों को वापस ले जाएगा। इसको लेकर अमेरिका लगातार अफगानिस्तान के सहयोगी और करीबी देशों के संपर्क में भी है। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी के बावजूद कोई ऐसा समाधान निकाला जाए जो सभी के लिए सही हो। वहीं भारत जैसे देश तालिबान की मौजूदगी को लेकर आशंकित हैं और अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार भी इसको लेकर आशंकित है। अमेरिका के यहां से बाहर जाने की खबरों के बीच तालिबान अफगानिस्तान में एक बार फिर से अपना दायरा बढ़ा रहा है। तालिबान का ये बयान इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान ने उसकी फौज का बेस बनाने और उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। साथ ही ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान अमेरिकी फौज को ग्राउंड सपोर्ट भी करेगा। इस बयान के अगले ही दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि अमेरिका की तरफ से दिया गया ये बयान पूरी तरह से बेबुनियाद है और झूठा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये कहना था कि उनकी सरकार के पास इस तरह का कोई मसौदा नहीं आया है और ना ही इसको लेकर अमेरिका के साथ कोई वार्ता हो रही है। तो वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने दो टूक ये बात कही थी कि पाकिस्तान अमेरिकी फौज को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं देगा। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान किसी भी हाल में अमेरिका को ड्रोन हमले की भी इजाजत नहीं देगा। उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि इस बारे में दोनों देशों के बीच किसी तरह की कोई वार्ता नहीं चल रही है। वहीं बीते बुधवार को ही अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि वो अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के संपर्क में हैं। अमेरिका का कहना था कि अमेरिका ऐसा इसलिए चाहता है कि जरूरत पड़ने पर अफगानिस्तान की मदद की जा सके। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह अफगानिस्तान के मौजूदा और पूर्व राष्ट्रपतियों ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अफगानिस्तान की दुर्गति के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान तालिबान को हर संभव मदद देता है, उनके लड़ाके पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई ने तो यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान चाहता है कि उनका देश भारत से सभी संबंध तोड़ ले और पाकिस्तान तालिबान के जरिए यहाँ पर अपना राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव बढ़ा ले। जो कि कभी नहीं होगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
चीन ने श्वेत पत्र जारी कर कहा कि उसकी मंजूरी पर ही मौजूदा दलाई लामा के किसी उत्तराधिकारी को मान्यता दी जाएगी। साथ ही दलाई लामा या उनके अनुयायियों द्वारा नामित किसी व्यक्ति को मान्यता नहीं दी जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि चीनी सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक श्वेत पत्र में ऐसा दावा क्यों किया गया है। चीन ने कहा है कि उसकी मंजूरी पर ही मौजूदा दलाई लामा के किसी उत्तराधिकारी को मान्यता दी जाएगी। साथ ही दलाई लामा या उनके अनुयायियों द्वारा नामित किसी व्यक्ति को मान्यता देने से भी इनकार किया गया है। बता दें कि चीनी सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक श्वेत पत्र में दावा किया गया कि किंग्स राजवंश के बाद से केंद्र सरकार द्वारा दलाई लामा और अन्य आध्यात्मिक बौद्ध नेताओं को मान्यता दी जाती है। दस्तावेज में ये भी कहा गया कि प्राचीन समय से ही तिब्बत चीन का अविभाज्य हिस्सा है। इसमें कहा गया कि 1793 में गोरखा आक्रमणकारियों के जाने के बाद से किंग सरकार ने तिब्बत में व्यवस्था बहाल की और तिब्बत में बेहतर शासन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी। तिब्बत में स्थानीय आबादी के आंदोलन पर चीन की कार्यवाही के बाद 14वें दलाई लामा 1959 में भारत आ गए। भारत में उन्हें राजनीतिक शरण दी गई और निर्वासित तिब्बती सरकार तब से हिमाचल के धर्मशाला में है। दलाई लामा अब 85 साल के हो चुके हैं और उनकी बढ़ती उम्र के कारण पिछले कुछ वर्षों में उनके उत्तराधिकारी का मुद्दा सामने आने लगा। यह मुद्दा पिछले सालों में तब और सुर्खियों में आया जब अमेरिका ने अभियान चलाया कि दलाई लामा के उत्तराधिकारियों के संबंध में फैसला करने का अधिकार दलाई लामा और तिब्बत के लोगों के पास होना चाहिए। खास रिपोर्ट्स में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।